रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमारी जो आखिरी क्लास थी, लास्ट क्लास में हमने यूनिट नंबर 6 पढ़ा था, उसमें हमने प्रोनाउंस पढ़े थे। और प्रोनाउंस को मैंने क्या बताया था? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन ऐसा लफ्ज है जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होता है। और एंड आई हैव गिविंग यू द एग्जांपल्स आल्सो। जी स्टूडेंट्स, एंड आई हैव गिविंग यू एक्सरसाइज ऑफ पेज नंबर 37। मैंने आपको पेज नंबर 37 की एक्सरसाइज करने को दी थी। ये एक एग्जांपल गिवन था और एक मैंने आपको बताया था कि इसका करके दिखा दिया था। आई होप यू ऑल हैव डन। आपने घर आपने कर लिया होगा। जस्ट टैली इट। आप टैली कर लें मेरे साथ कि आपके आंसर्स ठीक हैं। फादर मदर, सन डॉटर, यहाँ तक तो हमने किया हुआ था। ब्रदर सिस्टर, ब्रदर भाई, सिस्टर बहन, बॉय लड़का, गर्ल लड़की, ग्रैंडफादर दादा या नाना, ग्रैंडमदर दादी या नानी। होपफुली यू ऑल हैव डन करेक्टली। आपने ये सारा बिल्कुल ठीक कर लिया होगा इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, एज वी हैव लर्न पेज नंबर 36, हमने अपने कल की क्लास में पेज नंबर 36 को छोड़ा था और हमने कहा था हम इसको अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स रीड। आज हम इसको पढ़ेंगे और इसमें से वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू गेट आउट प्रोनाउंस। हम इस पैराग्राफ में से प्रोनाउंस को निकालेंगे, देखेंगे, फाइंड करेंगे और इसमें हम उसको मैच करेंगे। इज इट क्लियर क्लास? मैच से मुराद है कि ही, शी, इट हमने या वी, आई, इट मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अपनी कल की क्लास में। लेट्स हैव द रीडिंग। अब हम पढ़ते हैं और मेरे साथ रीडिंग कीजिए। आई एम अहमद, दिस इज माई फैमिली। My father's name is Ali. He is an engineer. My mother's name is Rafia. She is a housewife. She is very caring. Asma is my sister. She is very loving. My grandfather's name is Umar and my grandmother's name is Sana. They are very kind. I have a pet cat. It is brown in color. We are a happy family. Is it clear class? Let's read again. Yes student, हम दोबारा से इसकी रीडिंग करते हैं और इसमें अब मैं आपको इस जब रीडिंग करूँगी सो आई विल अंडरलाइन द प्रोनाउंस। ठीक है, इसमें मैं प्रोनाउंस को हाईलाइट करूँगी। सो डू विद मी। आई एम अहमद, हेयर द प्रोनाउन इज आई। दिस इज माई फैमिली। माई फादर्स नेम इज अली। ही इज एन इंजीनियर। हेयर ही को मैंने हाईलाइट कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। My mother's name is Rafia. She is a housewife. She, हमने क्या कहा था? She is used for a girl, a woman, है ना? She is very caring. यहाँ पे देखें, यहाँ पे वालदा के बारे में बात है तो she is a housewife, वो एक घरेलू औरत है। She is very caring, बहुत ख्याल रखने वाली हैं। Asma is my sister. Asma भी देखिए, sister हमने masculine feminine किया था ना, brother, sister, opposite क्या था sister का? brother. So here instead of sister we have used she. She is very loving. Asma is my sister. She is very loving. So here pronoun is Asma के लिए भी क्या इस्तेमाल हो गया? she. My grandfather's name is Umar and my grandmother's name is Sana.
ग्रैंडफादर्स नेम, दादा या नाना का नाम उमर, ग्रैंडमदर्स नेम सना, दे बोथ, इन दोनों के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, लेट्स सी, दे आर वेरी काइंड, वी हैव यूज दे हियर फॉर ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, ठीक है। हमने यहाँ पे ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के लिए क्या इस्तेमाल किया, दे, क्योंकि ये दो हो गए, दो लोग हो गए, सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर दे, दे आर वेरी काइंड। आई हैव अ पेट कैट, पेट कैट, मेरे पास एक पालतू बिल्ली है, इट इज ब्राउन इन कलर। अब देखिए यहाँ पे इट यूज हुआ है किसके लिए हुआ है, फॉर अ पेट कैट, फॉर अ पेट कैट, एक पालतू बिल्ली, एक, सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड प्रोनाउन इट इंस्टेड ऑफ कैट, ठीक है, कैट की जगह हमने इट यूज किया है। वी आर हैप्पी फैमिली, वी, सो इसको मैं भी बताती हूँ आपको, वी, हम एक अच्छी और खुश फैमिली हैं। वी इज यूज फॉर आई, माय फैमिली, मिलके वी बन गया। सो लेट्स लुक एट द बोर्ड, अब मज़ीद मैं इसको सिखाऊंगी। अच्छा बच्चों, जैसे मैंने अभी रीडिंग की है, इसी तरह आप इसकी प्रैक्टिस रीडिंग की घर में 3 times तो ज़रूर कीजिएगा, यू हैव टू गेट मोर कमांड ओवर रीडिंग, फिर इससे आपको रीडिंग करने का एक कमांड आ जाएगी, ठीक है। नाउ लुक एट द बोर्ड स्टूडेंट्स, हियर आई हैव मेंशन, यहाँ पे मैंने जो कैरेक्टर्स थे हमारे पैराग्राफ में उनके लिए मैंने प्रोनाउंस को आपको जो अंडरलाइन करवाया, तो यहाँ पे भी मैंने छोटा सा आपके लिए बना दिया है, लिख दिया है एग्जांपल्स, यू विल गेट मोर नॉलेज और गेट मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोनाउंस, आपको प्रोनाउंस से और मजबूत। अहमद ने अपने बारे में बताया, सो ही यूज प्रोनाउन आई। वालिद के बारे में बताया, फादर, ही यूज ही। मदर के बारे में बताया, एंड देन ही यूज शी। सिस्टर के बारे में बताया था तो उसने शी लिखा। अच्छा, अगर हम ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर अलग अलग लिखते हैं, सो वी कैन यूज फॉर ग्रैंडफादर, हम ग्रैंडफादर के लिए ही लिखेंगे, और अगर ग्रैंडमदर कभी अभी और कभी हमें और कोई पैराग्राफ पढ़ाना पढ़ना हुआ या कहीं हमें देखना हुआ तो फिर ये प्रोनाउंस आप यूज करेंगे, ग्रैंडमदर शी, ग्रैंडफादर प्लस ग्रैंडमदर, यहाँ पे आपने पढ़ा ना, माय ग्रैंडफादर्स नेम इज उमर एंड माय ग्रैंडफादर्स नेम इज सना, दे आर, माय ग्रैंडफादर नेम इज उमर एंड माय ग्रैंडमदर्स नेम इज सना, तो ग्रैंडफादर प्लस ग्रैंडमदर, इन दोनों को मिला, जब हम इन दो की बात करेंगे देन वी यूज दे, और उसने क्या यूज किया, दे आर वेरी काइंड। एंड व्हाट अबाउट हिज पेट कैट, अ पेट कैट, ही हैज यूज इट, उसने अपनी अपने एक जो बिल्ली है उसके लिए इट यूज किया है, इट इज ब्राउन इन कलर, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड वन थिंग विच वन थिंग के उसने जब बताया था माय फैमिली, माय फैमिली, मेरी फैमिली, आई, माय प्लस माय फैमिली क्या बन गया, वी आर हैप्पी फैमिली। सो स्टूडेंट हियर यू कैन सी द यूजेज ऑफ प्रोनाउंस, और आपने यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको सिखाया भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और आपने अच्छी तरह से उसको अंडरस्टैंड कर भी लिया होगा, और इसको यू शुड लर्न इट, आपको इसको याद भी रखना है प्रोनाउंस को। हाउ मेनी प्रोनाउंस आर देयर, यस देयर आर 7 प्रोनाउंस, नेम देम, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ठीक है। नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन योर होमवर्क, राइट प्रोनाउंस विथ उर्दू ट्रांसलेशन, यानी उर्दू मायने के साथ इसको लिखना है आपको, एंड लर्न मैस्कुलिन फेमिनिन ऑफ पेज नंबर 37, ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क ऑफ टुडे, और नाउ लुक
looked at the copy. Okay student, this is our title page. ठीक है, टाइटल पेज मैंने ऐसे बनाया जैसे हम लोग हमेशा बनाते हैं. एंड यू विल डू प्रोनाउंस विद ट्रांसलेशन या मीनिंग. इस तरह से आपको कॉपी पे काम इसका करना होगा. इज इट क्लियर क्लास? सो यू विल डू इट इंशाल्लाह. सो नोट डाउन इट. आई होप यू विल डू. देखिए बच्चों, लर्निंग ज़रूर रखिए अपनी साथ साथ. ठीक है, मैस्कुलिन फेमिनिन को अच्छी तरह से स्पेलिंग के साथ याद रखिए. ठीक है, दुआ में याद रखिए. दुआ करते रहिए अल्लाह ताला से कि हालात साजगार हों. स्टे होम, स्टे सेफ. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.